नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फैक्ट टैक्सी हिंदी में। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इल्यूमिनाटी के बारे में बात करने जा रहे हैं और ये भी जानेंगे कि इल्यूमिनाटी कौन लोग होते हैं और क्या आपको इल्यूमिनाटी के अंदर जाना चाहिए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और जानते हैं इल्यूमिनाटी के बारे में कुछ डरावने सच। तो दोस्तों, पहला सच ये है कि इल्यूमिनाटी जो है द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी के नाम से 17th सेंचुरी के अंदर एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई गई थी यूरोप के अंदर। और दोस्तों, इस सोसाइटी का एक ही मकसद था कि पूरी दुनिया पे वह राज करना चाहते थे और पूरी दुनिया में एक ही सरकार को लाना चाहते थे। और इनका यह भी मकसद था कि वह सभी इंसानों से उनकी गुलामी करवाएं और सभी इंसानों को शैतान की पूजा करने के लगा दें। तो दोस्तों, अगर आप इल्यूमिनाटी के अंदर गलती से भी चले गए तो आपको मैं बता दूं, इल्यूमिनाटी ज्वाइन करने के लिए या इल्यूमिनाटी के अंदर जाने के लिए आपको अपनी रूह या अपनी आत्मा एक शैतान को बेचनी होती है। और दोस्तों, इस आत्मा को शैतान को बेचने के बाद आप पर कोई भी आपका कंट्रोल नहीं होगा। और ज़्यादातर यही होता है कि इल्यूमिनाटी आपको अपने वश में कर लेते हैं और उनके वश से छूट पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, कुछ साल पहले एक बहुत प्रसिद्ध घटना घटी थी जो अमेरिका के अंदर घटित हुई थी 2001 के अंदर। और दोस्तों, मैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हुए टेररिस्ट अटैक की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे इसका इल्यूमिनाटी से क्या लेना देना। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इल्यूमिनाटी से ही इसका लेना देना साधा गया था। और दोस्तों, ये भी माना गया कि अगर आप $1 नोट बिल को ट्रायंगल की शेप में फोल्ड करेंगे और देखेंगे वहाँ पे कि आपको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग दिखती है जिसके अंदर से धुआं निकल रहा होता है और वह टूटी हुई हालत में होती है। दोस्तों, इल्यूमिनाटी के साथ इसका संबंध साधा गया। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे करोड़ों लोगों ने और यहाँ तक कि कई एक्सपर्ट्स ने भी ये माना कि यह इल्यूमिनाटी का ही काम हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, इल्यूमिनाटी का ये खासियत है कि जब भी लोगों का या मीडिया का ध्यान उन पर ज़्यादा जाने लगता है या इल्यूमिनाटी के लोगों की तरफ होने लगता है, तो दोस्तों, इल्यूमिनाटी वाले ऐसा कोई बड़ा हादसा करके मीडिया या लोगों का ध्यान किसी और चीज़ पर कर देते हैं ताकि उनका ध्यान इल्यूमिनाटी से हटकर किसी और चीज़ पर आकर्षित हो जाए। दोस्तों, यहाँ तक कि लोगों ने यह भी माना है कि नेपाल में आए भूकंप या फिर ऐसे ही बड़े बड़े हादसे जो होते हैं, इस सब के पीछे इल्यूमिनाटी का ही हाथ है। और इल्यूमिनाटी लोगों के पास एक ऐसी चीज़ है जिससे वह ऐसे हादसे करा सकते हैं, वह भी बिना किसी को बताए या बिना किसी को पता चले। तो दोस्तों, क्या यह बात सच है? तो दोस्तों, मेरा कहना है कि यह बस सच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, क्योंकि ऐसा दो या तीन लोगों का कहना नहीं है, ऐसा काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स और करोड़ों लोगों का कहना है कि इन सभी हादसों के पीछे इल्यूमिनाटी लोग होते हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि इल्यूमिनाटी लोग कौन होते हैं और इनको कैसे पहचाना जाता है। दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूँगा कि जो लोग 666 यानी 666 नंबर को किसी ना किसी तरीके से दिखाते हैं या फिर शो करते हैं या फिर अपने हाथ से 666 नंबर का साइन दिखाते हैं या फिर अपने हाथ से बैरा मौत या फिर आसान भाषा में कहूँ एक ट्रायंगल बनाते हैं, उसको हम इल्यूमिनाटी का मेंबर कह सकते हैं। और दोस्तों, जिन लोगों को आँख वगैरह बनाने का बहुत शौक होता है या फिर वह आँख के अंदर एक ऐसे चित्र बनाते हैं जिसके अंदर एक आँख हो और उसके आसपास एक पिरामिड जैसा ट्रायंगल हो, उसको भी हम इल्यूमिनाटी का मेंबर मान सकते हैं। दोस्तों, यह सब खासियत होती है उन लोगों की जो इल्यूमिनाटी में आना चाहते हैं या फिर इल्यूमिनाटी बन चुके होते हैं। दोस्तों, यहाँ तक ये भी माना जाता है कि जितने भी इंटरनेट पर डार्क वेब कंट्रोल किया जाता है उस सब के पीछे इल्यूमिनाटी लोगों का ही हाथ है और इल्यूमिनाटी खुद भी एक डार्क वेब का हिस्सा ही माना जाता है। दोस्तों, आपको इंटरनेट पे ऐसी बहुत सारी अजीब वेबसाइट्स मिल जाएंगी जिसके बारे में अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन एक बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन सब अजीब वेबसाइट्स के अंदर एक ऐसे सीक्रेट मैसेजेस छुपे हैं जो आने वाले फ्यूचर को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं या आने वाले घटनाओं को के बारे में भी बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इन वेबसाइट्स के कोड इतने मुश्किल हैं कि अभी तक बड़े से बड़ा डिकोडर एक्सपर्ट भी इन कोड्स को डिकोड नहीं कर पाया है। वेबसाइट्स के असलियत में क्या है वो तो इल्यूमिनाटी के लोग ही जानते हैं।
दोस्तों यूट्यूब पे भी एक चैनल है पॉपी जिसका नाम है, या फिर एक और चैनल है टाइटैनिक सिंक्लेयर, जो कि बहुत अलग टाइप की वीडियोस बनाते हैं और यह बहुत शॉर्ट क्लिप्स भी होती हैं। दोस्तों इन वीडियोस का क्या मतलब है यह अभी तक नहीं पता चल पाया है और ये वीडियोस देखने में काफ़ी डरावनी लगती हैं, लेकिन इनको लोग फिर भी देखते हैं क्योंकि ये वीडियोस ऐसी होती हैं कि लोग इनको देखने पर आकर्षित हो जाते हैं किसी चीज़ पर। और अगर आप भी इन देखेंगे इन वीडियोस को तो आप एक के बाद दूसरे वीडियो तो ज़रूर देखेंगे इन अजीब यूट्यूब क्रिएटर्स की। अगर आप इनकी वेबसाइट पे भी जाएंगे तो आपको वहाँ पे इल्यूमिनाटी लोगों का या इल्यूमिनाटी का साइन दिखेगा, जो कि एक पिरामिड के अंदर बनी आँख है। अब दोस्तों असलियत में क्या हो रहा है और ये ऐसा क्यों है ये तो उन्हें ही पता होगा। दोस्तों लोगों का यहाँ तक भी कहना है कि जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं जो बहुत जल्दी उभर आए हैं या बहुत जल्दी फेमस हो गए हैं, वह भी इल्यूमिनाटी के लोग माने जाते हैं। मैं यहाँ दोस्तों ऐसे किसी सेलिब्रिटी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आप जरूर इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं कि किन किन सेलिब्रिटीज़ को इल्यूमिनाटी माना गया है और क्यों माना गया है, वह भी आप सर्च कर सकते हैं गूगल पर। तो दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि इल्यूमिनाटी कोई अच्छी चीज़ नहीं है, यह बहुत ख़तरनाक चीज़ है और आप अपनी आत्मा शैतान को बेच रहे हैं और इल्यूमिनाटी की गुलामी आपको करनी पड़ेगी अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं। तो मैं तो आपको बिल्कुल यही कहूँगा कि इन सब चीज़ों से दूर रहिए और ख़ुद की स्ट्रगल और मेहनत से अगर आप करते हैं तो एक दिन ज़रूर काबिल इंसान बन जाएंगे। और इन सब चीज़ों से दूर रहिए क्योंकि आप कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, आप अपनी आत्मा शैतान को बेच रहे हैं और उनकी यह शर्त है कि आपको जीने तक जितनी तरक्की चाहिए दी जाएगी और आपसे जो काम कर बोला जाएगा आपको वो भी करना पड़ेगा और मरने के बाद भी आपकी आत्मा को हमारी गुलामी करनी होगी, जो सुनने में बहुत ख़तरनाक लगता है और शायद है भी। दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई व्यक्ति दावा करता है कि वह इल्यूमिनाटी में आपको ज्वाइन करवा देगा, या फिर कोई आप ऐसी किसी वेबसाइट पर चले जाते हैं जहाँ लिखा होता है इल्यूमिनाटी के ज्वाइन करने के बारे में, या आप किसी डार्क वेब को गलती से चले जाते हैं, तो आपको कहना चाहूँगा प्लीज़ इन सब से निकल जाना और जितनी जल्दी हो सके इन सब चीज़ों से दूर रहना, और ऐसा कोई व्यक्ति मिले आपको तो उस व्यक्ति से भी दूर रहना और उसको साफ साफ मना कर देना, क्योंकि यह कोई अच्छी सही चीज़ नहीं है। दोस्तों इल्यूमिनाटी को ज्वाइन करना और ऐसे सक्सेसफुल होना एक बहुत गलत काम है और आप ऐसे अपनी आत्मा बेच के अपने आने वाली ज़िंदगी को ख़राब नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो गुड बाय एंड टेक केयर।